हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्लैश ऑफ VCM। आज के वीडियो में हम दो बैटल देखने वाले हैं, जिसमें कि ये हमारा क्लैन वॉर बैटल है और एक वन वी वन बैटल। ये हमारा क्लैन वॉर वाला बैटल है, जिसमें कुछ खासा है नहीं दिखाने के लिए, फिर भी इसमें अच्छा खासा कमबैक किया वो दिखाने के लिए मैं ये वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। इसलिए हम इसको 22 की स्पीड पर देख लेते हैं। इसका रैम वाला स्टार्टिंग से भी मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था, हर बार थोड़ा थोड़ा डैमेज दिए जा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसने कुछ ज़्यादा डैमेज दे दिया हमें स्टार्टिंग में ही। और उसने अपने एलिक जो फूल होते हैं गॉबलिन हार्ट खेल लिया, जो मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब करता है, गॉबलिन हार्ट हो या कोई भी बिल्डिंग हो। इसलिए मैंने उसको काउंटर करने के पहले ही रॉकेट मार दिया एक। यहाँ पर फिर से रैम डेकर उसने एक और हिट दे दिया। अब मुझे उसके मिनियन और का आइडिया नहीं था, होता तो भाई गॉबलिन गैंग के बदले एरोस खेल लेता। इसलिए मैं फिर से डैमेज के नंबर घंटा कुछ मिला। इसका रैम और हॉक भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा, और उसका वो गॉबलिन हट। पर जैसे कि आप बहुत बार मेरी कमेंट्री में सुनते होगे, ये गेम भाई सिर्फ एक सिंगल मूव का है, एक भारी मूव खेल लो पूरा गेम जीत जाओगे। एक बार मुझे पता था उसके पास है मिनियन, तो मैंने पहले से एरोस फेंक दिए थे। भाई यहाँ पर एक टावर मिला, पर उसके रॉकेट ने भी हमारे मूव को काउंटर कर दिया। कोई बात नहीं, अब एक और हमारा पुश बन गया, एरोज भी रेडी थे। अब भैया हमने ये वाला भी टावर आसानी से ले लिया, जिसके अंदर देखा मैंने जो किया, पूरी 1 मिनट में पूरा कमबैक बना दिया। अब सिर्फ 10 सेकंड रुकना था, जो बहुत इजी काम है वो मैंने कर दिया। मैं ये गेम फिर से जीत गया। ये हो गया हमारा क्लैन वॉर बैटल वाला पार्ट। अब हम देखेंगे 1v1 बैटल, जो कि भी बहुत ही क्लोज था। आप देख सकते हो मैं लॉग बेट यूज़ कर रहा था और अपने सेल्फ मेड डेक यूज़ कर रहा था। ये काफ़ी लंबा है बैटल, ऐसे हम इसे भी शुरुआत में IN2 पर देखेंगे। तो चलिए शुरू हो जाता है। लॉग बेट में गॉबलिन को तो काउंटर करना इजी है, तो उसका गॉबलिन बैरल तो वेस्ट चला गया और उसका रैम को भी काउंटर कर दिया इजीली। और मुझे आइस स्पिरिट का एक बात पसंद है, उसको लोग हमेशा इग्नोर मारते हैं और 100 100 डैमेज करके लेके आता है हमारे लिए। इस बार उसके पास भाई बैंडिट नहीं आता, बीच में तो हमें टावर मिल जाता। उसका टावर हमारे नाइट पे बिजी रहता और हमारे गॉबलिन्स भी टावर ले लेते हैं। यहाँ पर उसके विजार्ड ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया है रेज की मदद से। पर हमने भी इस बार कुछ पीछे नहीं है, हम भी अच्छे खासे कॉम्पिटिशन में हैं। इस बार मैंने गॉबलिन गैंग गॉबलिन सबके सपोर्ट में डाला और भी एक टावर मिल गया। और यहाँ पर उसने भी अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया मुझे। यहाँ पर कोई काउंटर नहीं था, मेरे पास लॉग नहीं था उस टाइम पर अवेलेबल, पर फिर भी मैंने टावर बचा दिया जैसे तैसे करके। जैसे आप देख सकते हैं मेरा गॉबलिन बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। बस 40 सेकंड बाकी है, मैं उसके हर मूव को अच्छे से काउंटर किए जा रहा हूँ। वो उसने लास्ट में किया वो एकदम सही मूव खेल दिया वो। अब उसने जो पुश जनरेट किया, इसका इलेक्ट्रो विजर्ड नहीं होता तो भाई मैं उसको आराम से रोक लेता। मेरा ये सारा इन्फर्नो टावर आने में देरी हो गई, वरना भाई अपना काम बन जाता। अभी तो सडन डेथ है, तो इसलिए थोड़ा हमें पुशेस जनरेट करना पड़ता है लगातार। मैं उसको गॉब्लिन बैरल को तो लगातार कंटिन्यू काउंटर किए जा रहा हूँ। अब मैं उस गॉब्लिन बैरल डाले जा रहा हूँ उसके टावर पे, और गिरो उसके पास नाइट डाल के उसके टावर को बिजी कर देता हूँ मेरे नाइट के पीछे। इसलिए गॉबलिन बैरल से गॉबलिन भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देते हैं हमें। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लो भाई, गॉबलिन बैरल गिरते ही नाइट डाल देने की, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे देख सकते मेरी सिर्फ 13 13 लाइफ बाकी है, जो कि लास्ट तक भी बहुत काम आने वाली है। लॉन्ग बेट मुझे बहुत पसंद आ रहा है आजकल, मैं इसे मास्टर करने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। तो चलो भाई 10 सेकंड है, अब हम इसे IN2 1 पर देखते हैं। और भाई अब जो होने वाला है देख लो, चलो IN2 1/2 पे देखते हैं हम इसे। कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये बैटल। यहाँ पर उसने हमारे इन्फर्नो टावर को तो पहले तोड़ दिया, ये रैम रेड ने फटका मारा, एक हिट पॉइंट बाकी और रॉकेट गिरिया, वही हम जीत गए। और 1 सेकंड भी देरी होती वो टाई ब्रेकर में जीत जाता। उम्मीद है आपको मेरा ये दोनों गेम प्ले पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो,
सब्सक्राइब भी ठोक ही दो, लोगों को रिकमेंड करो। और हम एक बात बोलते नहीं, पर हम इस बार से याद रखना, अब बिना भूले हमेशा का डिस्क्रिप्शन चेक कर दिया करना, उसमें मैं अपनी फ्रेंड लिंक डालता रहता हूँ, डालता नहीं हूँ पर अभी से डाल दिया करूँगा। मुझे काफ़ी लोग मैसेज किया करते हैं भाई फ्रेंड लिस्ट में आ जाओ, मैं लिंक डाल दिया करूँगा, वहाँ से आ जाना। ओके, गुड बाय।